उधर मध्य प्रदेश के बुधनी पहुंचे शिवराज सिंह चौहान का वनवास वाला बयान चर्चा में आ गया। उन्होंने ये बयान अपने विधानसभा क्षेत्र में दिया। शिवराज मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी से विधायक हैं और वो वहां एक सभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन सभा में बोलने से पहले वहां मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया। ये महिलाएं शिवराज से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। इन महिलाओं को देखकर शिवराज भी भावुक हो गए। वो उन्हें समझाने लगे और महिलाओं के सिर पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना दी। शिवराज के समझाने पर भी इन महिलाओं के आंसू नहीं रुके, वो रोती रही और लोगों से घिरे शिवराज उन्हें समझाते रहे। आसपास मौजूद लोग शिवराज की तस्वीर भी खींचते रहे और इन सबके बीच शिवराज से मिलने वालों की भीड़ इकट्ठा होती रही। इन लोगों में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या थी। शिवराज के मुख्यमंत्री नहीं बनने से उनके समर्थक पहले भी अपनी निराशा दिखा चुके हैं और उनके बुधनी पहुंचने के बाद एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें आईं। मालाओं से लदे शिवराज को गुलदस्ता देने पहुंची महिलाएं उन्हें देखते ही रो पड़ी। वो बार बार शिवराज से कह रही थीं कि वो मुख्यमंत्री रहें या न रहें, लेकिन उनका ख्याल रखना न छोड़ें। ये बातें सुनते ही शिवराज ने उनके सिर पर हाथ रखा, उन्हें भरोसा दिया कि वो मामा और भाई की तरह काम करते रहेंगे। लोगों से मिलने के बाद जब शिवराज मंच पर आए तो एक बार फिर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से किया वादा पूरा करने का भरोसा दिया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो चर्चा में आ गया, क्योंकि शिवराज ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नहीं बनने की वजहों पर बात की और हंसते हंसते ये बोल दिया कि राज तिलक होते होते वनवास हो गया। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन शिवराज ने जैसे ही ये बयान दिया वो खुद भी हंसे और मंच पर मौजूद लोग भी हंसने लगे और तर्क दिया कि हर फैसले के पीछे कोई बड़ी वजह होती है, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद शिवराज लगातार चर्चा में रहे और इस बार बुधनी में दिया गया उनका वनवास वाला बयान चर्चा में आ गया।